हेलो गाइस, आज हम आपको एक ऐसी मछली के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे श्रापित मछली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इस मछली को श्रापित और क्यों इस मछली के मिलने के बाद वहां के सारे इलाके के लोग परेशान हैं और किसी अनहोनी के होने की आशंका जता रहा है, पूरी डिटेल बताएंगे। बने रहिए वीडियो के लास्ट। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले विद बेल आइकन। हेलो गाइस, 18 जुलाई सन 2022 में ये मछली चिली में मिली। चिली के कुछ मछुआरों को मछली पकड़ते समय उनके जाल में एक बड़ी सी मछली फंसी है, जिसको देख करके कोई खुश नहीं है बल्कि हैरान परेशान है, क्योंकि ये मछली को पौराणिक कथाओं से लेकर अभी तक इसे श्रापित मछली का नाम दिया गया है। ये मछली है कोलोसल साइज की ऑर्फिस मछली, जिसे श्रापित मछली कहा जाता है। जब जब इस मछली को मछुआरों ने पकड़ा है, जिस इलाके में पकड़ी गई है या जिस कंट्री में पकड़ी गई है, उस इलाके या उस देश में भारी तबाही आती है। इसीलिए इस मछली का मिलना, इसके पीछे कोई बड़ी अनहोनी होने का आशंका जता रहे हैं उस क्षेत्रवासी के। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सबसे पहले सन 2011 में जापान में ये मछली देखने के लिए मिली थी। उसके बाद सभी जानते हैं 2011 में जापान के फुकुशिमा में भयानक भूकंप आया था, जिसमें अरबों रुपए की संपत्ति और हजारों लोगों की जान चली गई थी। इस मछली के चर्चे पौराणिक कथाओं में भी देखने और सुनने को मिलते हैं। इस मछली को इसीलिए श्रापित कहा जाता है क्योंकि जब जब ये मछली मिली है, तब तब उस क्षेत्र में, उस इलाके में भयानक तबाही आई है। इसीलिए इस मछली के पकड़े जाने के बाद वहां के क्षेत्रवासी किसी अनहोनी की शंका जता रहे हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाजत। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।